पिछले 3 सालों में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके परिणाम स्वरूप आज पहली बार एक अच्छा जो रिजल्ट है इन बच्चों ने दिया है। स्कीपिंग में मैंने स्टार्टिंग की और बहुत ही अच्छे से इन बच्चों को करके दिखाया। पहले मैंने किया, बाद में इन्होंने फॉलो किया। आज जिस मुकाम पे बच्चे पहुंच रहे हैं उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आई रियली अप्रिशिएट हार्ड वर्क ऑफ दीज स्टूडेंट। पहले सबसे पहले जो हाईएस्ट स्कोर है वो आप लोगों ने जाना है, सबसे कम से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार में हिमांशु ने स्किपिंग की है 11,700, सभी लोग ताली बजा रहे हैं। ऋषि सिंह 14,030 एक बार में, और सानू अली ने एक बार में 20,791। जो कहा जाता है कि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है वो इन बच्चों ने करके दिखाया है। और आप अगर ठान लेते हैं और हर रोज मेहनत करते हैं और अपने जीवन में डिसिप्लिन सेवा भाव से साथ साथ में रेगुलरिटी के साथ में कोई भी कार्य करते हैं तो रिजल्ट आना निश्चित है, और इन्होंने करके दिखाया है। पहली बार मैं किसी को इस तरह अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने हार्डवर्क किया है यहाँ पे और जो मैंने ट्रेन किया है उसका रिजल्ट सही मायने में आज इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ अन्य बच्चे भी ये चीज़ देख कर अपने आप को मोटिवेट करें और इस तरह अच्छे रिजल्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद में हिमांशु प्रजापति का सभी लोग स्वागत करिए। आप सभी लोग उत्साह बढ़ाएंगे, ऋषि सिंह आ जाए बाहर। और अंत में मैं बुलाना चाहूँगा सानू अली आ जाए बाहर। ये बच्चे आपके समक्ष आए हैं, इन्होंने जब परफॉर्मेंस दी तो उस परफॉर्मेंस को लेकर मैं स्वयं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने उतना उम्मीद नहीं की थी, उसके 50% भी उम्मीद मैंने नहीं की थी, लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे मेरा जो उत्साह वर्धन हुआ और मेरे अंदर जो मोटिवेशन आया कि ट्रेनिंग का रिजल्ट जरूर होता है। तो इन बच्चों ने वो करके दिखाया। जब इन्होंने रिजल्ट दिया और जो नंबर्स आए, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, पूछा कि स्कीपिंग का रिकॉर्ड बताओ, तो उन्होंने अपना अपना बताया। मैंने कहा पूरे अपने जिले में बताओ, यूपी में तुम्हारे जानने में खेलने वाला कौन है, कितनी स्कीपिंग हुई है, सब जगह पता करके बताओ। फिर उन्होंने कहा जब इतने पता करना है तो इंटरनेट पे देखो। मैंने इंटरनेट पे देखा, वहां भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले जिन्होंने जितना इन्होंने करके दिखाया। मैंने कल कौशल सर से बात की, उनको मैंने बताया तो हंसने लगे, कहने लगे अरे इतना बड़ा तुमने रिकॉर्डिंग की नहीं की। मैंने बताया 1 घंटे 25 मिनट कम से कम स्कीपिंग चली, उतना तो स्टोरेज नहीं था। तो उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग करना था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को टैग करना था, ट्विटर पे टैग करना था, उसका बहुत ही अच्छा प्रचार होता। तो मैंने कहा चलो आगे बच्चे करेंगे, देखा जाएगा। साधना मैम को बताया, उन्होंने बहुत जगह लोग को बताया, स्टेटस लगाया, सभी लोग हैरान थे। अब आप शायद फील ना कर पा रहे हो, मैं जानता हूँ, जब कोई स्कीपिंग रस्सी कूदता है 100 बार कूदता है तो उसको एहसास हो जाता है क्या स्कीपिंग होती है, जब कोई 1,000 बार कूदता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या स्टेमिना होता है, जब कोई 2,000 कूदता है 3,000 कूदता है तब उसको पता चल जाता है कि हाँ बॉडी कहाँ जा रही है मेरी। मैंने खुद अपने जीवन में स्कीपिंग का रिकॉर्ड बनाया, 4400 स्कीपिंग की, यही स्कूल में आके मैंने की ताकि बच्चे मुझसे सीखें, और मेरी ये उम्मीद थी सीखेंगे, लेकिन इतना बड़ा रिजल्ट इतनी जल्दी देंगे ये उम्मीद मैंने नहीं की थी। जितने अपने मित्रों को बताया सब हैरान हुए। तो ये जो बच्चे आए हैं इनके बारे में पहले आप जानिए, इनका रिकॉर्ड जानिए, फिर मैं पुरस्कार बताने जा रहा हूँ इनको जो मैं दे रहा हूँ। पुरस्कार में भी आपको समझना होगा, डिफरेंस रहेगा, एक चीज समझनी होगी कि पढ़ाई स्पोर्ट्स में दोनों चीजें साथ लेके चलता हूँ। अगर केवल स्पोर्ट्स की वजह से मैं लंबा चौड़ा प्रशंसा का इनका व्याख्यान कर दूंगा तो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो पढ़ाई को नेग्लेक्ट करने लगेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि इनका पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे और स्पोर्ट्स में लगा रहे, इसलिए मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले ये छोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है जिसान अली, इसने एक बार में रस्सी कूदी है 3957।
बालिका खड़ी है, यहाँ बालिकाएं शाम को फिटनेस करने आती, मैंने कई बार उनको मना किया कि सपोर्ट नहीं हो रहा है सोसाइटी से, फैमिली से, आप मत आइए, इनको जल्दी मैंने घर भेजा, सूर्यास्त होने के 15 मिनट पहले आप घर पहुंच जाइए। मैंने इनसे कहा यहाँ से जाओ, यहाँ पे बच्चे स्कीपिंग करते हैं रुक के, तुम घर पे करो जाके। मैं कई बार रास्ते से गया, इस बच्चे ने नहीं जाना होगा, लेकिन मैंने देखा ये छत पे खड़े होके स्कीपिंग करती थी, और इसकी जो बॉडी फिजिक्स है उससे बहुत ज्यादा एथलीट बनने की संभावना कम है, इसकी जो शारीरिक संरचना है। यहाँ बहुत सारी बालिकाएं हैं जो इससे 3 गुना ज्यादा स्कीपिंग कर सकती है थोड़ा सा प्रयास करके, लेकिन इसके लिए स्कीपिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका शरीर का संरचना का जो हिसाब किताब है अलग है, लेकिन फिर भी इसने स्कीपिंग की है। सबको हंसी मजाक को दूर रखते हुए, सबको नजरअंदाज करते हुए 1449 स्कीपिंग इसने की, बहुत ही बड़ी बात है बालिका होकर गांव में इसे आगे बढ़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं रिकॉर्ड की तरफ। हिमांशु प्रजापति सामने आपके खड़े हैं, बीच में थोड़ा ये लड़खड़ाए, अब थोड़ा मार्ग पे आ गए हैं, और परफॉर्मेंस भी इनकी दिखाती है कि ये सीरियस है। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है एक बार में रस्सी कूदने का 11700, अभी हैरानी आपकी बढ़ती जाएगी। दूसरा जो सेकेंड स्थान प्राप्त किया ऋषि सिंह ने, एक बार में जो स्कीपिंग की है वो है 14030 स्कीपिंग। शाम को 6 बजे स्टार्ट किया, मैंने सोचा आधे घंटे में हो जाएगा, घर चला जाऊंगा, रिकॉर्डिंग चलने लगी, फिर मैं बैठे बैठे इंतजार करने लगा आप खत्म हो, तब सुना 5000 हो गई। मैंने ठीक है 5000 तो कर सकते, इतनी फिटनेस कराया हूँ इन लोग को, 6000 हो गई, 7000 हो गई, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, देखा 10000 हो गई, तब मैं ऊपर गया, मैंने सोचा गलत तो नहीं गिन रहे हैं, तो 6-6 लोग गिनने पे लगाए, फिर मैं बैठा, फिर चलती रही स्कीपिंग, चलती रही, 7:26-27 हो गए, यानी 1:25 हो गया, और फाइनल रिजल्ट जो आया सानू अली ने जो स्कीपिंग की है उसकी संख्या है 20791। मैं अभी जान नहीं रहा हूँ, कई गिनीज बुक रिकॉर्ड में कई दर्ज हैं, कई घंटे तक लगातार स्कीपिंग करने के रिकॉर्ड हैं, वो काफ़ी एजेड लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, 12-12 घंटे स्कीपिंग लगातार कर देते हैं, वो सब अलग स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अंडर 16 में बिना गिरे एक बार में 20000 स्कीपिंग करने का रिकॉर्ड मैंने अभी तक नहीं सुना। इंटरनेट पर सर्च किया तो 1 घंटे में 14000 का रिकॉर्ड दिख रहा है, और कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे हिसाब से इस छोटी सी संस्था ने, जो एक भारत में एक छोटे से गांव में, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब इसका उत्साहवर्धन करने के लिए मेरी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार मैं प्राइस देने जा रहा हूँ, फिर प्राइस का डिफरेंस जो होगा आप उस पर डाउट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जो जिसान अली है इनको 20 तारीख को पुरस्कार मिलेगा, उसके साथ साथ में 201 रुपए का पुरस्कार मैं अपनी तरफ से इनको दे रहा हूँ। पुरस्कार आपको कम लग रहा है? मेरी क्षमता के अनुसार, क्योंकि मुझे बड़ा कार्यक्रम करना है, लेकिन मुझे पुरस्कार देने में अधिक कोई दिक्कत नहीं है, केवल अगर मैं इसके स्पोर्ट्स को ही प्रायोरिटी दे दूंगा तो ये फिर पढ़ाई में बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा, इसकी पढ़ाई की कंडीशन बहुत खराब है अभी, तो इसको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना, अगर पढ़ाई स्पोर्ट्स दोनों अव्वल हैं तो फिर पुरस्कार लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करना है, ये इसके लिए सीख है। मोनिका दिनकर ने जो बालिकाओं के लिए एक सीख दी है कि हिम्मत मत हारिए, आप अच्छा कर सकते हैं, उसको देखते हुए मैं जो प्राइज देने जा रहा हूं इनको, उससे सारी बालिकाओं का उत्साहवर्धन होगा। मैं मोनिका दिनकर की पूरे साल की फीस माफ करता हूं, और इस तारीख को इनको जो उपहार पुरस्कार दिया जाएगा वो अलग से रहेगा, उसमें जो भी मेरा सामर्थ्य बनेगा वो मैं दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हिमांशु की तरफ। हिमांशु ने परफॉर्मेंस की है, इनकी भी पढ़ाई में बहुत पिछड़ापन है, इस वजह से इनको जो पुरस्कार 20 तारीख को मिल रहा है उसके साथ में 501 रुपए का इनाम। ऋषि सिंह दूसरे स्थान पे आए हैं, इनका भी पुरस्कार जो है वो मोनिका की तरह ही है, इनके पूरे साल की पर मंथ की इनकी फीस 500 रुपए है कोचिंग की, और मैं पूरे साल की फीस माफ करता हूँ।
अब अंतिम पुरस्कार सानू अली का है। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी लास्ट में बताऊंगा, पहले पुरस्कार बता देता हूँ। सानू अली को मैं अपनी तरफ से जो मेरा सामर्थ्य है 2500 रुपए का इनाम घोषित करता हूँ। अब देखो मेरे मुख से सही शब्द नहीं निकल रहे, मैं कितना एक्साइटेड हूँ। समझिए दोनों चीजें जुड़ी है, मोनिका और ऋषि ने हाई स्कूल परीक्षा पास की, दोनों गांवों में सबसे ज्यादा नंबर लाए। पढ़ाई प्लस स्पोर्ट्स को देखते हुए मैंने इनको ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा पुरस्कार दिया है। अब इंतजार रहेगा सानू अली अपनी बोर्ड परीक्षा पास करते हैं, इनका रिस्पांस कैसा रहेगा, ये कैसा रिजल्ट देते हैं, इनका पुरस्कार आगे चल के बड़ा हो जाएगा। तो जो बालक बालिकाओं ने, मोनिका दिनकर ने 83% नंबर हासिल किए, ऋषि ने 82% हासिल किए, बोर्ड परीक्षा में क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर लाए, अब स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने इनकी एक साल की फीस माफ कर दी है। सानू अली ने स्पोर्ट्स में अभी अच्छा करके दिखाया, लेकिन एक पड़ाव इनका बोर्ड एग्जाम का बाकी है। इनके क्लास में कोई भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहेगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। ये उस स्थान में पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, कोई अन्य बच्चा आता है वो भी अच्छी बात है। तो मैं सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने उतना इन बच्चों के लिए करने का प्रयास किया। आप लोगों को कम तो नहीं लग रहा है? नो no.